और यहाँ पर फाइट भी है और यहाँ पर बहुत यहाँ पर बहुत सारे सब चीजें बने हुए और बहुत सारा पार्क भी है, रिजॉर्ट भी है और ये बहुत प्यारा बहुत अच्छे इसके डिजाइन बने हुए है और यहाँ पर आई लव गोदर भी लिखा हुआ है। बच्चे पुराना वाला आई लव गोदर है, न्यू वाला है और अभी हम यहाँ पर आए और आपको इसको मतलब विजिट करके आपको भी दिखाएंगे और आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करने वाले आपको भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक समझना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दे, जल्दी से जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज हमारा लुक ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। हम एक आज न्यू व्लॉग बना रहे हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं आपकी 99 क्लब ग्वादर में, जो एक ब्यूटी इट इज़ अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स जो बीच के साथ बना हुआ है, सुरबंदर बीच के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम इस खूबसूरत रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे जो ग्वादर बीच क्लब है, 99 क्लब है। तो आप देख सकते हो यहाँ एक खूबसूरत बीच के साथ, यहाँ पे आई लव ग्वादर भी लिखा हुआ है पीछे इसके साथ। आप देखें बोट इस तरह की, यहाँ पे पार्क्स हैं इसके अंदर और ये है एक खूबसूरत रिजॉर्ट है। आज हम इस बीच रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। तो एंड तक हमारे साथ रहें, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियोज। तो हम इस बीच क्लब को आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे, तो एंड तक हमारे साथ रहें। और उस साइड में आप जाकर दिखाएंगे, पहले हम बोट के ऊपर चढ़कर और बीच का बहुत प्यारा व्यू दिखाएंगे। सर इसको आपको भी देखकर गाइस, यहां पे देखो बोट के बोर्ड बोट पे बैठने की जगह हुआ है। माइन आपको कैसे लग रहा है आज आप बोट के अंदर? आप स्पीड बोट से ये आप देखें, एक बोट से इसके साथ ही खूबसूरत इस टाइम एरा और निमरा बोट पे राइडिंग कर रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत बोट है यहाँ पे बीच के साथ इस क्लब में। तो आप देखें ये खूबसूरत क्लब का हम आपको ओवरव्यू भी यहाँ से दिखाते हैं। सामने देखें खूबसूरत बीच है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत बीच और सुरबंदर का खूबसूरत पहाड़ी, इसके साथ ही ये राइड कर रहे हो। यहाँ पर बोट के ऊपर आ चुके हैं और आप बोट चला रहे हो इस टाइम? हम चला रहे हैं, मेरा बोट कैप्टन है इस टाइम, माइन भी ड्राइव कर रहे हैं इसको। माइन ऐसा नहीं हो, आप सही सही इसको चलाओ। ओके माइन बोट, माइन बोट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बोट के ऊपर और यहाँ पर देखो ये व्यू है पूरा, मतलब रिजॉर्ट का क्लब रिजॉर्ट का और ये सुरबंदर के भाई कैसे फास्ट में है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी और एयरपोर्ट का भी फास्ट में है और अभी हम बिल्कुल ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल ही करीब है। तो ये क्लब है यहाँ देखिए, इनके अंदर खूबसूरत एरिया सिटिंग एरियाज बने हुए, साथ ही इसका बीच है। तो ये खूबसूरत बीच, तो हम बीच में भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो ये देखें इसका पूरा सिटिंग एरिया है जहाँ पे बच्चे के बच्चों के लिए भी खेलने के झूले भी बने हुए हैं। तो माइन अभी नीचे है उस टाइम, माइन क्या कर रहे हैं उस टाइम? माइन नीचे वहाँ पे देखो झूल रहा है। तो ये है ग्वादर 99 क्लब रिजॉर्ट्स, तो इसको हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, दिखा दें। इस टाइम अब हम मौजूद हैं 99 क्लब ग्वादर में। तो हमने कहा आज इसकी वीडियोस में अब मेरे साथ इरा भी है, निमरा भी है, मायन भी है, तो इनको लेके आए यहाँ पे हम विज़िट करने। हमने कहा कि आज विज़िट करें, इस क्लब को विज़िट भी करें और हम भी देखें और आपको भी दिखाएं इस खूबसूरत रिजॉर्ट्स को। तो इस टाइम हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये बीच क्लब है, बीच रिजॉर्ट्स है। अभी आप देखें किधर जा रहे हो आप? माइन आ जाओ। तो इरा भी साथ है। इरा आपको कैसे लग रहा है आज आप? बहुत अच्छा है यार, डिफरेंट जगह है आज हमको अपने व्लॉग में, फर्स्ट टाइम ये जगह देख रहे हैं।
दिखा रहे हैं मतलब, और यहाँ पर मतलब बहुत सारी जगह भी बने हैं। अभी हम उस साइड जाए और इस साइड जाकर आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर बीच का बहुत सारा व्यू है। It is मेरे ख्याल में is it your first visit to this 99 club? Yes. ये इराक का भी first visit है। तो यहाँ देखें बीच के साथ खूबसूरत sitting area है और शेड भी बने हुए हैं साथ, आप देखें इरा। Guys, मैं यहाँ पर first time है, मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया है। आप यहाँ यहाँ पर जरूर विजिट करें। आप आए यहाँ पे, ये देखें खूबसूरत रिजॉर्ट्स, ये बिल्कुल नए इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स बन रहा है, बल्कि नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग भी होना था 14 अगस्त को, तो डिले हुआ कुछ अननोन रीज़न की वजह से। तो इंशाल्लाह वो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसकी इनॉग्रेशन होगा बहुत जल्दी। तो हमने कहा कि आपको थोड़ा ये रिजॉर्ट्स भी विज़िट कराएं, अपने व्यूअर को दिखाएँ कि ये खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं। आप भी आएँ इस रिजॉर्ट्स को, इस बीच को और इस रिजॉर्ट्स को इंजॉय करें। तो बच्चों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे एंटरटेनमेंट्स के लिए यहाँ पे झूले हैं, और यहाँ पे बीच के साथ बेहतरीन सी ब्रीज भी है। आप देख सकते हो पीछे उनकी जो पूरा बिल्डिंग नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। एकोमोडेशन भी है इनका, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो, यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो। तो ये फूड भी यहाँ पर सर पौधा है। तो ये 99 क्लब है, तो हम थोड़ा इसकी और एरिया को विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करके आपको मज़ीद दिखाएँगे। अभी हम ईरान इमरातुना दूसरे एरिया को उसके देख जा रहे हैं, वहाँ विज़िट करने। तो वहाँ पे देखते हैं, तो ये खूबसूरत जगह है बीच के साथ बैठने के लिए। तो झूले भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो हम जाएंगे वहाँ पे। और एरा और निमरा आगे निकल चुके हैं इस टाइम। ये निमरा है, यहाँ पे भी चेयर्स लगे हुए हैं, सिटिंग एरिया है। हाँ, आप देखें यहाँ पे बीच है, बिल्कुल साथ ही इसका बीच है खूबसूरत, आप पीछे देख सकते हो। तो खूबसूरत बीच, और इरा कैसा लग रहा है आपको बीच? और यहाँ पर मैं, यहाँ एक झूला लगा हुआ है इरा, इस पे अभी आप बैठो, थोड़ा झूला ले लो, साथ बीच और ब्रीज का एंजॉय करो। ये यहाँ देखो इरा अभी इस टाइम झूला ले रहा है, और उसके साथ मायन मायन भी आ गया। मायन आपको झूला झूलना है? ये साथ इसका बीच, खूबसूरत सी ब्रीज आप देख सकते हो आगे। यहाँ पे सुरबंदर का खूबसूरत पहाड़ियाँ भी नज़र आ रहे हैं, डिजर्ट से गोल्डन सैंड है बीच के साथ। ये यहाँ पे ये तीनों अभी बैठ गए झूले पे, कैसा लग रहा है अभी आप लोग झूले पे बैठे हो इस टाइम? बहुत अच्छा। मायन एंजॉय कर रहे हो आप झूले को? हाँ, मायन से पूछा है, पूछ रहा है कि इस रिजॉर्ट्स का नाम क्या है। मायन क्लब का क्या नाम है? 99 क्लब, 99। तो ये हो खूबसूरत रिजॉर्ट्स, यहाँ पे स्टेम मायन और इरा निमरा बैठे हुए झूले पे, साथ इसका ये खूबसूरत बीच क्लब का। तो इसकी मज़ीद जो एरिया है हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आप देखें इसके साथ ही उसका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एकोमोडेशन बिल्डिंग के साथ, तो वो भी आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारा व्यू है, बीच भी है,
आप एंजॉय कर रहे हो माइन? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। ओके इस टाइम हम मौजूद हैं 99 क्लब ग्वादर रिजॉर्ट्स में। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत रिजॉर्ट्स है, इसके साथ ये खूबसूरत आपको गोल्डन सैंड और ये बीच। और इस टाइम क्लाउडी वेदर है, खूबसूरत वेदर है, रेनी एक्सपेक्टेड टू द रेन, शायद बारिश भी होने वाला है, बूंदाबांदी होने का चांस भी है। तो इस खूबसूरत बीच के साथ इस खूबसूरत रिजॉर्ट्स में इस टाइम हम मौजूद हैं। तो अपने इस वीडियोज़ के अंदर इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो ये खूबसूरत बीच, सुरबंदर बीच के साथ ये खूबसूरत रिजॉर्ट्स बना हुआ है। तो आप देखें यह खूबसूरत सिटिंग एरियाज़ हैं इनकी, और खूबसूरत इन लोगों ने इस रिजॉर्ट्स को बनाया हुआ है। खासकर आप इवनिंग टाइम्स में यहाँ आके इसको, इस वेदर को, इस बीच की जो ब्रीज़ है इसको एंजॉय कर सकते हो इस टाइम। तो इन लोगों ने खूबसूरत ये रिजॉर्ट्स बनाए हैं बीच के साथ, तो इनकी काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई यहाँ पर एकोमोडेशन भी देते हैं तो बीच के साथ है। जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बिल्कुल उसके साथ ही अपोजिट साइड में ये रिजॉर्ट्स बना हुआ है। तो यहाँ आप आके यहाँ एंजॉय भी कर सकते हो इस सी का, इस ब्रीज, सी ब्रीज का और इस खूबसूरत बीच का। तो आप आएँ इसको देखें, चलिए ये खूबसूरत रिजॉर्ट्स है। हम एक दूसरे एरिया में इसकी जाएँगे जहाँ पर सिटिंग एरिया बने हुए हैं, तो वहाँ भी आप देखें। यहाँ आई लव ग्वादर भी साथ, तो यहाँ भी खूबसूरत आई लव ग्वादर लिखा हुआ है। तो ये खूबसूरत और रिजॉर्ट्स के साथ ही इसकी पूरा एकोमोडेशन एरिया बिल्डिंग, तो उसका काफ़ी और एरिया है। कोशिश करते हैं एक्सप्लोर करें इस वीडियो के अंदर, पूरा रिजॉर्ट्स को आपको दिखाएं। तो अभी हम इसको देखते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो एक और सिटिंग एरिया है बीच के साथ, वहाँ पर जाते हैं तो वो एरिया भी आपको दिखाने जा रहे हैं इस टाइम। तो अभी हम जाएँगे उस तरफ जहाँ एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सिटिंग एरिया है, तो वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये साथ जो इसकी एक सिटिंग एरिया, यहाँ देखें खूबसूरत बीच है, बीच के साथ आई लव ग्वादर, ये गोल्डन सैंड, इसके साथ ये खूबसूरत बीच, ये सिटिंग एरिया है। यहाँ देखें तो ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म है बैठने के लिए, शाम को मोस्टली नाइट तक आप यहाँ पर बैठ सकते हो, सी वेव्स का और सी ब्रीज का एंजॉय कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे एक खूबसूरत और एरिया है, सिटिंग एरिया है। इसके साथ आप देखें ये खूबसूरत यहाँ पे एक क्रॉप बोट्स भी है यहाँ पे, साथ ही ये खूबसूरत रिजॉर्ट्स और इसका ये बीच। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं एरा निमरा, एरा कम यार। तो यहाँ देखें एरा निमरा वो भी आ रहे हैं इस तरफ। तो यहाँ पे भी झूले लगे हुए हैं, यहाँ सिटिंग एरिया है आप देख सकते हो। तो ये खूबसूरत बिल्कुल बीच के साथ साथ ही हम आपको दिखाएं, ये बीच है, यहाँ आप एंजॉय कर सकते हो सी ब्रीज का और वेव्स का, ये खूबसूरत एवनिंग्स, ब्यूटीफुल एवनिंग्स, सनसेट का टाइम। तो एरा कैसे लग रहा है आपको? इरा का क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है इस रिजॉर्ट्स को विजिट करने का, तो रियली इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स आप ग्वादर 99 क्लब। आप देख सकते हो शाम का टाइम, ये मौजों की जो आवाज़ है, ये म्यूज़िक है इनकी, तो ये पुरसकून एनवायरनमेंट, ये खूबसूरत माहौल और डूबता हुआ सूरज, सनसेट का टाइम, ये रिजॉर्ट्स आप यू विल नॉट बी इमेजिन किस तरह यहाँ पे इस टाइम सी ब्रीज है और मेंटल पीस है इस टाइम यहाँ पे। आप देखें ये रिजॉर्ट से, कोशिश करते हैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। अभी बाकी एरा कहाँ गए उसके साथ? एरा अभी अकेला बैठी हुई बीच को एंजॉय कर रहा है सी ब्रीज का। कहाँ गए?
देखो इरा जहाँ बैठी है ये एक सीट है, उसके सामने बिल्कुल ये बीच है, ये साथ ही आपका खुला समंदर। आप देखें यहाँ झूले भी हैं, आप झूल भी सकते हो और यहाँ मौजों का और लहरों का एंजॉय भी कर सकते हो, जिस तरह भी इरा यहाँ पे। इरा कैसे लग रहा है, आप झूल रहे हो, साथ आपका ये बीच है, तो शाम का टाइम, खूबसूरत मौसम, क्लाउडी वेदर, वेदर भी चेक करो, क्लाउडी वेदर, सनसेट का टाइम है, खूबसूरत सनसेट, बादलों में सनसेट, सूरज खूबसूरत लग रहा है बादलों के अंदर, और इस खूबसूरत एरिया, इस खूबसूरत रिजॉर्ट्स में तो और ही इसकी ब्यूटी को ऐड कर रहा है। अरे आपको कैसा लग रहा है इस टाइम, इस विदर में आप यहाँ पे झूले झूल रहे हो, साथ आपका ये समंदर की वेव्स हैं, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे एनवायरनमेंट है, पुरसकून माहौल एक से ना। बाकी वो चिक्र वो भी वहाँ पे मेरे में घूम रहे होंगे, अब इनको माहिन और इरा उनको और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ आप देखें इसकी फेतवे है इसका, जहाँ से बीच की तरफ आप एक्सेस कर सकते हो, ये इरा जा रहा है, ये साथ ही इसका खूबसूरत एकोमोडेशन एरिया, ये बिल्डिंग है, प्लांटेशन काफ़ी यहाँ पर है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये पूरा एरिया यहाँ पर इरा। इरा कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इरा भी साथ है तो यहाँ पे काफ़ी उसने एंजॉय कर रहा है आज की रिजॉर्ट्स को। ये उसकी एकोमोडेशन एरिया, पूरा बिल्डिंग है जहाँ पे आप इसको एकोमोडेट भी हो सकते हैं, कोई गेस्ट को एकोमोडेट करते हैं, ये पूरा उसका खूबसूरत एरिया है। आप देखें खूबसूरत यहाँ पे पेतवे बने हुए हैं, इसके साथ ही ये पूरा रिजॉर्ट्स और उसके साथ ही खूबसूरत बीच, आई लव ग्वादर। इरा भी आ रहा है, इरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। इरा आज काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं रिजॉर्ट्स में, 99 क्लब पादर में, तो ये इसका खूबसूरत बिल्डिंग एकोमोडेशन एरिया, तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं 99 क्लब ग्वादर को, तो इरा आगे जा रहा है। इरा कैसे लग रहा है आपको आज? यहाँ पर एक एरिया है, इन लोगों ने यहाँ पर एक नदी टाइप का बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ये है इरा, आ जाओ इधर, ये देखिए प्लांटेशन के साथ इन लोगों ने खूबसूरत एरिया बना हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर नदी की टाइप का है, यहाँ पर डक भी है और उस साइड में डक भी है, डक के लिए बने, और डक को भी जाकर आप वहाँ पे डक एरिया के लिए इन लोगों ने ये बनाया है, काफ़ी बतख है इसके अंदर, तो हम आपको दिखाते हैं। तो इरा जा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे इसकी खूबसूरत ये प्लांटेशन है, साथ इनकी काफ़ी सोलर सिस्टम लगे हुए हैं एनर्जी के लिए इनकी, या हमें आपको दिखाते हैं, ये पूरा इनका एरिया बतख एरिया है, इनके अंदर काफ़ी बतख है, तो ये पार्किंग एरिया है, कार पार्किंग एरिया है इसका, सामने इसका आप देखें, और मज़ीद आपको दिखाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो काफ़ी इन लोगों के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, एनर्जी सिस्टम है इनका सारा, बिजली सिस्टम है, तो ये है उसकी कार पार्किंग एरिया, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है इनकी, पता नहीं कितने एकड़स पे ये स्टेम है। तो हेरा निमरा, इमरा बतख कहाँ है? बतख किधर है? बतख आप लोगों को यहाँ काफ़ी बतख भी हैं, तो हम दिखाएंगे काफ़ी, आ जाओ हेरा वहीं निमरा, यहाँ पे काफ़ी डक्स थे, तो ये उसकी डकों के लिए इन लोगों ने जो पानी की या नदी टाइप का बनाया हुआ है, साथ ही प्लांटेशन है इनकी काफ़ी, तो हम आपको इरा जा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी बतख थे तो उनको ढूंढ रहे हैं अभी, हम कहाँ गए सारे इस टाइम, तो ये है उसका पूरा एरिया, तो सामने इसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने जो बीच था हमने इसको एक्सप्लोर किया, आपको दिखाया, तो यहाँ चेक करते हैं, ये है प्लांटेशन एरिया, तो पता नहीं अभी डक कहाँ से, मैंने आपको डक देखने हैं, डक नजर आ रहे हैं मैंने आपको, आ ना कपे कपे तुम्हारो, बे बे ओके।
अभी डक नज़र नहीं आ रहे हैं, इसमें काफ़ी डक्स थे। तो सामने उसकी वो खूबसूरत बिल्डिंग है। माइन क्या देख रहे हो आप? डक प्लांटेशन देख रहे हैं। ओके, डक नहीं है यहाँ पे अभी, तो चलते हैं। अभी इस टाइम हम मौजूद हैं इस खूबसूरत 99 क्लब को एक्सप्लोर, वादर 99 क्लब को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने व्यूअर को दिखा रहे हैं। तो ये खूबसूरत एक रिजोर्ट है ग्वादर का, आप देख सकते हो बीच के साथ। खासकर आप इस एवनिंग टाइम में इसको यहाँ पे आप इसकी वेदर और इस बीच को इस को एंजॉय कर सकते हैं। साथ यहाँ पे जो गोल्डन सैंड है, यहाँ पे आप वॉकिंग एरिया है, आप वॉक भी कर सकते हो बीच के साथ। तो यहाँ आज हमने इस वीडियो के अंदर इस 99 क्लब को एक्सप्लोर किया, अपने व्यूअर को दिखाया कि इतना खूबसूरत ये रिजोर्ट है ग्वादर का। तो यहाँ पे इनकी एकोमोडेशन एरिया है, तो हमने आपको इसको एक्सप्लोर किया आज की वीडियो के अंदर। इस यहाँ पे आज हम इस खूबसूरत व्यू के साथ इस खूबसूरत रिजोर्ट्स में यहाँ से हम आपको अपनी व्यूअर को आज अल्लाह